खस्ता बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 कटोरी आटा चाहिए, आधा कटोरी चीनी चाहिए जिसमें मैंने 2 इलायची डाली हुई है, इसे मैं पीसूंगी। 1 गिलास दूध चाहिए जिसमें 2 चम्मच मलाई है, और ये दूध बॉयल किया हुआ है, फिर से मैंने रूम टेम्परेचर पे कर लिया है, ठंडा हो गया है, इसे मैं आटा गूंदने के लिए यूज़ करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ चीनी को पीसने मिक्सी में, इसमें 2 इलायची भी है। अब ये चीनी मैंने पीस ली है, अब मैं आटे दूध और चीनी का डो तैयार करूंगी। अब मैं इसमें आटा डाल रही हूँ, 1 कटोरी आटा, इसके बाद दूसरी कटोरी का हो गया आटा, और इसके बाद मैं ये इसमें पिसी चीनी डालूंगी। और ये आटा और चीनी ये मैंने इसमें मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसे दूध डाल करके इससे मैं एक डो तैयार करूंगी। और अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। अब मैं इसका एक डो तैयार करूंगी, इस मिल्क से, मिल्क थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे, और इसे एक डो तैयार करना है हमें। ये मेरा डो तैयार हो गया है, ये जो आटा और चीनी था इसको मैंने मिल्क से तैयार किया, तो डो हमारा तैयार हो गया है, और 1 गिलास में इतना मिल्क मेरा बच गया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब ये हमारा आटा इस समय तैयार है, 10 मिनट का रेस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसकी छोटी छोटी हम लोई तैयार करेंगे ऐसे, और ये लोई बिल्कुल गोल गोल चिकनी चिकनी बनानी है, बिल्कुल फटी हुई किनारे से नहीं होनी चाहिए, एकदम चिकनी चाहिए हमें, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसको ऐसे गोल गोल बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ चिकनी, फटी हुई नहीं होनी चाहिए। इस तरह की हम कई लोइयां बना लेंगे। ये हमारी लोई तैयार हो गई है, अब इन लोइयों को हम इस पे रखते हैं चौकी पे अपनी, और सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। गैस हमारी ऑन हो गई है, इसे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा खस्ता जल जाएगा। इसे लो टू मीडियम रखना है हमें, और तब तक हम अपनी लोई को अच्छे से बना लेते हैं। और ये है हमारे पास साँचा, इस साँचे से मैं इसमें डिज़ाइन दूंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन आया है, और जिनके पास साँचा नहीं है उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। वो क्या करेंगे, लोई को लेंगे, लोई को रखेंगे चौकी पर, और इसको हल्का सा दबाया, इसको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद इसको हल्के हल्के से प्रेस करेंगे, एक शेप आ गया इसका गोल सा। इसके बाद हमारे पास फोक है, फोक तो सबके घर में होता है, इस फोक से हम इसे डिज़ाइन देंगे, प्रेस करेंगे इसको ऐसे, इधर साइड से प्रेस करना है। अगर आपके पास ऐसा साँचा नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, आपके पास किचन में फोक तो होता ही है, सबके घरों में होता है, तो हम इसी फोक से इसको डिज़ाइन देंगे। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन आया है। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी लोई बनाएंगे, और इस लोई को हम अपने इस गर्म तेल में डालेंगे, चेक करेंगे तेल गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए गोलियों के पास में छोटे छोटे बबल्स आने लगे हैं, इसका मतलब है कि तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें फ्राई कर सकते हैं। अब हम लोग डालेंगे इसके अंदर ये पेड़े जो बना रखे हैं, खस्ता है ये, इसको लो टू मीडियम रखेंगे, धीमे आंच पे पकाते हैं, ज़्यादा तेज कर देंगे तो हमारा खस्ता ऊपर से जल जाएगा और अंदर से थोड़ा कच्चा रह जाएगा, ऊपर से पक जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो हमें इसे धीमी आंच पे ही पकाना है। अब 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे पलटेंगे। इसको धीमे आंच पे ही पकाना है, नहीं तो ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हमें निकालना है इसे बाहर। अब इसे 1-1.5 मिनट और धीमे धीमे आंच पे हमें पकाना है। ये मेरा अच्छे से पक गया है और फूल भी गया है, इसमें मैंने बेकिंग सोडा नहीं डाला है, बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे तो भी आपका ये अच्छे से फूल जाएगा।
ये देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। गोल्डन ब्राउन जब कलर आ जाए तो आप इसे निकाल लीजिए। मेरे पास पेपर नैपकिन नहीं है तो मैंने इसे कॉटन के कपड़े पे निकाल लिया है। ये हमारा तैयार हो गया खस्ता। ये हमारे खस्ते तैयार हो गए हैं। मैं अभी आपको इनको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही गर्म है, मेरा हाथ भी थोड़ा जल रहा है। ये देखिए पक गए हैं और कितने अच्छे बने करारे से। आप इसे बनाइए और खाइए और मुझे बताइए कमेंट करके कि कैसा बना है।